आज मैं पहले गार्डन बनाऊंगी, ठीक है ना, तो उसका काम स्टार्ट करूंगी। और फिर कलर बनाते टाइम हम लोगों को बहुत टाइम ग्लिच होता है, कलर नहीं बनती है, तो वो सारी चीज कैसे आप लोग कर सकते उसको दिखाऊंगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ स्नेक प्लांट, ठीक है ना, और किस किस चीजों का हमला नहीं होगा सिर्फ वो पूछो। रेक्स, उल्फ, सेवर टूथ, एजेंट एवी, सैको, रैप्टर, उफ, इतने सारे हमला होगा कि क्या ही बता। तो होलो डियर्स गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ एयर के सर्वाइवल इवॉल्व्ड। लास्ट डे का एपिसोड आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर पे मुझे एक माइनिंग हेलमेट मिलती है जिसका ब्लूप्रिंट से मुझे पता चलती है कि उसका बहुत ज्यादा आर्मर पार्ट है। तो इस कारण मैं इधर पे फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक्स को बना लेती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने के लिए आप लोगों को पता है क्या क्या चीजें चाहिए, और पॉलीमर को बनाने के लिए वो भी आप लोगों को पता है। बाकी इधर पे मैं ना ऊपर में एक लाल स्टोर बॉक्स को रख देती हूँ क्योंकि मुझे इधर पे रखना था जितने भी सारे मेरे पास कलर वगैरह, फिर कलर को करने के लिए पेंटर वगैरह सारी जितने भी सारी चीज़ें थी ना वो सारी चीज़ों को मैं रख देती हूँ। फिर फटाफट से आके मैं इधर से माइनिंग हेलमेट को ले लेती हूँ। अभी दोनों में फ़र्क क्या है वही मुझे देखना था, तो मैंने इधर पे लगाया, ठीक है। लगाने के बाद मैं देख रही हूँ इसका तो ठीक है लाइट, बाकी दूसरा भी लगाती हूँ तो उसका भी सेम है, तो मुझे समझ आती है कुछ फर्क नहीं है, जितना लाइट होता है उतना ही मिलेगी। आर्मर का जो होता है ना कि उसका पावर इतना ज्यादा है वो ज्यादा देर तक टिकेगी, अगर कोई एनिमल वगैरह के हमला होगा तो वो फटक से एकदम टूटेगी नहीं, बस उसी का ही है और कुछ नहीं, बाकी लाइफ सेम ही है। और आज जो मैं बनाने वाली हूँ इधर पे मैं गार्डन बनाऊंगी, ठीक है, तो उसका ही बेस में बना रही हूँ। तो इधर पे मैंने चारों ओर से उधर से भी इधर से भी पूरा घेर के एक बेस इधर पे बना लेती हूँ। ये रहा मेरा बेस, तो अभी उसको हटाते हैं। बाकी इधर पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इधर पे देखो सारी चीजों को मैंने दे दिया ब्लैक कलर बनाने के लिए, जो जो चीजें भी चाहिए होती है आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट डे को दिखाया था। बाकी इधर पे जैसे मैं जलाती हूँ ना ये बनती नहीं है, कोई भी ब्लैक कलर बनती नहीं है। अगर ऐसे ग्लिच होती है कभी तो आप लोग बस सारे जितने भी चीजें ना उसको बस वापस ले लेना अपने इन्वेंट्री में, सारे एकदम टेक ऑल करके लेना, ठीक है। लेने के बाद फिर से दोबारा से एक बार दे देना वही सारी चीजों को, तो जैसे ही फिर उसके बाद आप लोग आग जलाओगे ना देखो कलर बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये ग्लीच अगर होती है कि बन नहीं रही है तो कुछ डरने की बात नहीं है, सारी चीजों को टेक ऑल करके बस ले लेना आप लोग फिर से इन्वेंट्री में, पूरा खाली हो जाएगा कुकिंग पॉट, फिर से दोबारा से वही जो जो चीजें आप लोगों को चाहिए इंग्रेडिएंट्स दे के आप लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो इधर पे कलर। तो ग्लीच अगर हुए तो आप लोग डरना मत कि भाई क्यों नहीं हो रही है कलर, ऐसा नहीं होता, मैं भी डरी थी बट अभी ठीक है, चलो समझ आ गई। तो अभी इधर पे मैंने सारी चीजों को बना लिया, अभी देखो वाटर टैंक को भी मैं रूम पे ही बना के रखी थी, तो कोई दिक्कतें भी नहीं होती है, पता है, मतलब इधर पे ही मैं सारी चीजों को दे देती हूँ, जितने भी सारे इधर पे स्किन वगैरह होते हैं फटाफट दे के मैं इधर से पानी ले लेती हूँ, इधर से डायरेक्ट मैं पूरा कुकिंग पॉट पे इधर पे दे देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे यूज किया करो तो बहुत आसान होती है, सच बता रही हूँ। तो अभी मैं ऊपर आती हूँ और देखो कितने सारे कलर है मेरे पास, बाकी मैं सारे कलर को रख देती हूँ। और मैं चार कलर बनाना दिखाई हूँ ना आप लोगों को, मैं बाकी और भी जितना भी सारे कलर है ना वो सारे कलर बनाना एक दिन दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे बनाया सारे कलर को ब्ला ब्ला, तो सारी चीजों को दिखाऊंगी। बाकी अभी मैं इधर से जा रही हूँ, सामने व्हाइट कलर मैंने ले लिया, फिर व्हाइट कलर को खींच के बस ये जो ब्रश होता है ना उसके ऊपर आप लोग दे दोगे तो हो जाती है। और फिर मैं इधर पे आ जाती हूँ और ये देखो मेरे हाथ पे ये ब्रश है, इसमें मैंने व्हाइट कलर लगा के आ चुकी हूँ। अभी इधर स्ट्रेक ही लगा, जैसे ही मैं इसके सामने आके इसे बस थ्रो करना पड़ता है तो ये बस कलर होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं देखना चाह रही थी कि कितना हुआ, बट देखा मैंने एक कलर से मैं इधर पे बहुत, मतलब इधर पे देखो इतना तक मैंने कर लिया, अभी भी खत्म नहीं होती है। तो अभी देखो इतना तक जैसे ही मैंने किया अब भी खत्म हो चुकी है। अभी मैं फिर से एक बार कलर को ले लूंगी, रुको एक सेकंड, ये कलर को मैं खींच के ऐसे बिल्कुल इस तरीके से ले लेना पड़ता है, तो मैंने ले लिया। अभी लेने के बाद देखो एक ही बार में बहुत ज्यादा जगह लेके आप लोग कलर कर सकते हो, एक एक मतलब कलर से बहुत सारे कलर होते हैं। फिर से एक बार ले लिया तो ये तो वेस्ट जाएगी मुझे पता है, क्योंकि इधर पे ही खत्म हो जाती है। और अगर आप लोग इससे डीप करना चाहते हो, इसके ऊपर अगर फिर से थ्रो करते हो तो नहीं हो रही थी, मैंने देखा एक बार करके कि मैं और भी डीप अगर चाहती हूँ व्हाइट कलर तो नहीं हो रही थी। और आज मैं बनाने वाली हूँ इधर पे एक स्टोन प्लांटर स्ट्रक्चर जो कि मैंने खोला था, जिसको बनाने के लिए चाहिए मुझे एंशियंट एम्बर, स्टोन, सीमेंट पेस्ट एंड फाइबर। तो सारी चीजों को मैं इधर से कलेक्ट कर लेती हूँ और फाइनली ये सारी चीजों को देख के मैं इधर पे बना लेती हूँ। और ये वाला पॉट आप लोगों को मतलब खरीदना
बताया एम्बर से, तो कोई नहीं अभी इसको लेके अभी मैं चल दूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत एम्बर थी तो मैंने इसे खरीद लिया, ठीक है ना। तो अभी इसको जाके मैं इधर पे बिठा देने वाली हूँ। ये मेरा नया गार्डन बन रहा है, इधर पे मैं कुछ सारे नए नए टाइप का प्लांट लगाने की सोच रही हूँ। तो अभी मैंने जो सोचा कि मुझे चाहिए था एक प्लांट, ठीक है, तो प्लांट क्या होगी, मैंने इधर पे स्नेक प्लांट सीड्स देखा था, तो उसको ही मैं खोलने के लिए आ जाती हूँ। और उसको खरीदने के लिए मुझे 15-15 एम्बर देने की दरकार है। तो चलो इधर से 15-15 एम्बर दे के मुझे 2 स्नेक प्लांट सीड मिल जाती है। बट इधर भी दिक्कत हो जाती है, मैं इधर पे फर्टिलाइजर तो दे देती हूँ, देखो पानी भी वाटर 600x600 है, ठीक है ना। बट पता नहीं इस पॉट में क्यों पानी नहीं हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, वो तो बाद में देखेंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि एक मेटल का एक पाइप बना लेते और ऊपर में मैं जो रूफ स्ट्रक्चर करूंगी ना, मतलब डिजाइन करूंगी। बेसिकली मुझे डिजाइन करना है, इधर पे मुझे कोई ग्रीन हाउस वगैरह मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, बस मतलब दिखने के लिए सुंदर हो वही मेरे लिए काफी। तो इधर पे तो कोई मतलब कांच का कुछ चीजें होती नहीं है, तो मैंने ग्रीन हाउस करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं ना, उसी से ही काम चलाना पड़ता है इधर पे। और अभी इधर पे मैंने लैडर को लगा लिया, क्योंकि ऊपर वाला जो ये है ना, इसको लगाने के लिए मैं लैडर के बिना बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी। तो इधर पे लैडर लगा के फटाफट से मैंने इधर पे लगा लिया, बाकी बाद में हम ये सब लैडर वगैरह हटा देंगे एकदम कम्प्लीट हो जाने के बाद, ठीक है ना। तो अभी इधर पे मैंने सारी ग्रीन हाउस रेलिंग को लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। अभी इधर पे देखो फिर से एक बार पिलर लगाने की जरूरत थी, तो फटाफट मैंने इधर पे मेटल पिलर को लगाते जाती हूँ। इधर पे चारों ओर लगाना है, ठीक है ना, मतलब मैंने लगाया। अभी आप लोगों को अगर मर्जी है आप लोग लगा सकते हो, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, बहुत अच्छी लग रही थी, सच बता रही हूँ। तो अभी मैं जो सोच रही थी एक स्नेक प्लांट को मैं लगाऊंगी, तो इधर पे मैं आ जाती हूँ, देख रही थी बहुत सारे इधर पे पॉट इधर पे खाली पड़ी हुई थी, तो मैंने इधर पे एक पॉट पे स्नेक प्लांट को दे दी थी। उसके बाद मैंने फर्टिलाइजर जैसे दे दी, फटाफट एकदम इधर पे स्नेक प्लांट उग जाती है। माय गॉड, एकदम टाइम नहीं लेती, एकदम फटाक से उठ जाती है। मैं सोचती भाई इतना जल्दी, सभी प्लांट उगने में थोड़ी सी टाइम लेती है, ये बहुत फटाफट उगी थी। तो कोई नहीं, उसको बनने देते, उससे पहले मैं इधर पे आ जाती हूँ, बाकी काम को भी तो खत्म करना है ना, तो फटाफट से उसको भी खत्म करते, फटाफट एकदम दौड़ दौड़ के हम करने वाले है। तो चढ़ने के बाद फटाफट से एकदम इधर पे भी लगा देती हूँ। अभी देखो सामने वाला ये स्ट्रक्चर तो कम्प्लीट हो चुकी है, अभी इसके ऊपर भी मुझे लगाना है, तो इधर पे भी मैं फटाफट एकदम एकदम सीधे सीधे टांग देती हूँ। और देखो भाई गलती हो जाती है, भाई उल्टा उल्टा लग जाती है कभी कभार, तो इधर पे भी लगा दिया। और इधर पे बाकी था तो इधर पे भी मेटल पिलर को लगा देती हूँ। फटाफट से इधर पे मैं लैडर को लगा देती हूँ। अभी चढ़ना है इसके ऊपर, ऊपर चढ़ के फटाफट से इसके ऊपर भी मैं लगा देती हूँ। अभी लास्ट बस बाकी है, उसके बाद खत्म, ठीक है ना। तो चलो जल्दी 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 कर लेते। तो इधर पे देखो फाइनल, देखो इतना तक मैंने कर लिया, बस लास्ट इसका मतलब मेरे पास सच बताए तो सारे कुछ खत्म हो चुकी थी, तो मैंने इतना तक बना लिया। कैसे लग रहा है बताओ एक बार, बहुत सुंदर लग रही है ना, मेरे को तो बहुत पसंद आ रही थी सच बताए। अभी मैं क्रिस्टल की जुगाड़ करने आई थी, जिसका मुझे बहुत डर था, बट इधर पे देख रही थी रेक्स और उल्फ का बहुत ज्यादा झमेला हो रही थी, तो मैं पहले आती नहीं थी, बाकी बाद में मैं अपना आरजी को लेके आ जाती हूँ और इसको मारने पे उधर आती हूँ। तो फटाफट इसको मारते, ठीक है ना। ये देखो ये वो गधे के पीछे पड़ा हुआ है और ये मेरे को देख ही नहीं रहा था। कोई नहीं, तू मत देख, मैं तेरे को मार लूंगी पीछे से, यही तो मौका है। तो इसको भाई साहब ये घूम जाता है पटाक करके एकदम, तो कोई नहीं इधर पे हम मार लेंगे, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, हो गया हो गया हो गया, चलो फाइनली हो चुकी है। अभी अभी इधर पे मैंने इसको तो मार दिया, अब भी मेरे को चाहिए एंक्लियो, तो एंक्लियो को बुला लेती है। एंक्लियो एंक्लियो एंक्लियो, चलो फाइनली मिल चुकी है एंक्लियो, अभी फटाफट से इसको बुला लेते हैं। इसको आने तक हम भाई 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 शर्म कर, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग के चिल मारे कुछ, मतलब इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं। चलो फाइनली इधर पे एंक्लियो आ चुकी है, अभी फटाफट से हम लोग जाएंगे और फटाफट से करने वाले है क्रिस्टल को कलेक्ट। तो इधर पे हम दोनों हम तीन ऑर्डर को क्यों बार बार हम भूल जाते हैं, मेरे को पता नहीं। तो अभी ओ भाई साहब, नहीं 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 नहीं, जिसका डर था वही हुआ। रात को मतलब इतना ज्यादा खतरनाक हो जाती है, देखो बैक टू बैक उल्फ का अटैक आती है। तो इधर पे मेरा आरजी भी है और सामने भाई 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 प्लीज प्लीज भाई भाई, चलो फाइनली सभी इधर पे मारा जाता है। और मैं उधर पे एंक्लियो को भगवान के भरोसे छोड़ के मैं अपना आरजी को लेके अपने घर के ओर लौट आती हूँ। और आने के बाद देखो मेरा घर लग रही है कि पुराने जमाने के बिना इलेक्ट्रिसिटी वाला घर है। तो अभी इधर पे मैं लिटरली सो जाती हूँ, सुबह सुबह आ जाती हूँ। भाई साहब डर, देखो 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 इसको देखो, मतलब रुक जा एंक्लियो, हम लोग आ चुके हैं, अभी इसको मार देंगे फटाफट से। तो इधर पे मेरे आरजी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब थोड़ा सा मतलब समझ लो ना, कुछ देर पहले इसने रेक्स को भी मारा था, इसका कितना पावर हो चुकी है अभी। तो मैंने इधर पे एक एजेंट भी इसको बहुत आसान तरीके से मार दे दी। और इधर पे देखो आ जा आ जा आ जा, मार खाने के लिए रेडी हो जा।
तो चलो इधर पे सारे जितने भी अटक आती है ना बैक टू बैक साड़ी को तो खत्म कर देते हैं। और हम लोग घर लौट ही रहे थे, तभी देखो एक शहर को पीछे से हमला करता है। और इन दोनों का इन्वेंट्री बहुत भारी था, जिस कारण मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। मैं फटाफट से उतर के मार तो देती हूँ। और बाकी इधर पे आने पे देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट इधर पे 0.00% है। ऊपर लगी तो हुई है इधर पे ग्रीन हाउस सीलिंग, बट कोई काम का नहीं, ठीक है, जस्ट शो ऑफ के लिए ये बन चुकी है। क्योंकि ग्रीन हाउस अगर हाउस बनाना है तो पूरा कंप्लीट आई थिंक देना पड़ता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होती है। तो अभी इधर पे मुझे एक इन्वेंटरी दिख जाती है जिसका लालच आप लोगों को पता है, मैं कभी संभल नहीं पाती हूँ। तो थोड़ा बहुत अच्छा, भाई 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 रैप्टर भाई 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 भाई, मेरे को कोई झमला नहीं करना, कोई झमला नहीं करना मेरे को इधर पे। तो मैं इधर से भाग तो जाती हूँ। और आगे मैंने क्या क्या किया, कैसे सर्वाइव किया, कैसे अपना गार्डन को बनाती हूँ, वो सारी चीजें आप लोगों को मैं दिखा दिया नेक्स्ट एपिसोड पे। आज फिर जाती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।